अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहादियों में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे उदयपुर राजस्थान और पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज बन चुका है। उदयपुर में कन्हैया लाल तेली नामी दर्जी के कत्ल की चर्चा तो जारी है और चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि इसका जिक्र और खासकर सोशल मीडिया फेसबुक ट्विटर पर तस्करा जोरों पर है। लेकिन आज एक और मामला पेश आया है जिस पर किसी की तवज्जो नहीं है और कोई इस पर तवज्जो देना भी नहीं चाहता, क्योंकि मारने वाला कोई मुसलमान नहीं है। मामला योगी आदित्यनाथ की यूपी का है, जहां मुसलमान अगर मुजरिम है तो बुलडोजर चलाए जाते हैं। खैर, आज एक दलित नौजवान की महज जमीन के तनाजे को लेकर ठाकुर समाज के इख्तलाफात जारी थे और इसी के चलते दलित नौजवान सुकुमार रावत की चारपाई के नीचे सुतली बम लगाकर उड़ाया गया, जिससे जिस्म के चीथड़े उड़ गए। वाजा रहे कि दलित किसान मेवालाल रावत अपने बच्चों के साथ लखनऊ के करीब देहात माल इलाके के रनिया मऊ पंचायत में रहता था। लखनऊ अस्पताल इलाज को जाने से पहले ही सुकुमार की मौत हो गई। सुकुमार गरीबी की वजह से हरिद्वार में पिछले 1.5 साल से मजदूरी कर रहा था। आलाजात के ठाकुरों ने महज जमीन के कुछ टुकड़े के लिए बेरहमी से कत्ल किया। इस वारदात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोनों तरफ जघन्य यानी बड़े बेरहमी से कत्ल किया गया है। यानी कि मैं कल की उदयपुर की भी बात कर रहा हूँ और आज जो लखनऊ के करीब बेरहमी से बम लगाकर उड़ा दिया गया। कत्ल दोनों तरफ हुए हैं और दोनों बेरहमी से कत्ल किए गए, लेकिन किस तरह से एक समाज को लेकर नैरेटिव चलाया जाता है और दूसरी तरफ खामोशी देखी जाती है। दलित और मुसलमान दोनों भी निशाने पर हैं, लेकिन मौजू तभी दिलचस्प बन जाता है जब मारने वाला कोई मुसलमान हो। मरने वाला कौन है, इससे ज्यादा मीडिया को एक नैरेटिव चलाने के लिए मारने वाले का धर्म जरूरी होता है। इसके लिए चार गिरोह काम करते रहते, सबसे अहम रोल गोदी मीडिया निभाती रहती है, दूसरा आईटी सेल जो हमेशा ट्विटर फेसबुक पर सरगर्म रहता है, फिर एक गिरोह हर शहर में एहतजाज के नाम पर नफरत परोसता रहता है, जुलूस का एहतमाम करता रहता है और यही मेमोरेंडम भी देकर एक समाज को देश के लिए कैसे नुकसानदेह है बताता रहता है। और ये सभी तब एक्टिव हो जाते हैं जब किसी मुजरिम का नाम मुसलमान होता है। अब जब दर्जी के कत्ल के बाद हंगामा खड़ा किया गया, यकीनन जुर्म की हिमायत करने का सवाल ही नहीं उठता। कत्ल की मजम्मत होनी चाहिए और जिन्होंने इस कत्ल को अंजाम दिया है और इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की हुई है, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या वाकई ये कत्ल गुस्ताख के रसूल को लेकर ही है? अब तो इसे दावत इस्लामी तंजीम से भी जोड़ा जा रहा है। सवाल जरूर उठेंगे क्योंकि तमाम माशरे को इस मामले को लेकर मुल्की सतह पर फसाद के साथ मुस्लिम समाज को ही अलग थलग करने की साजिश रची जा रही है। अब तो टीवी डिबेट में स्कूल में हिंदू मुस्लिम बच्चों को भी अलग बिठाने की बात कही जा रही है। कुछ सवाल जो जहन में आ रहे हैं उस पर भी तबसरा जरूरी है। नबी रहमत की शान में एक टीवी डिबेट के दरमियान भाजपा की नुपुर शर्मा ने गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए। उदयपुर में और भी फिरका परस्त होंगे क्योंकि नुपुर शर्मा हिमायत में भी कई हिंदुत्ववादियों ने खुलकर हिमायत की थी। थोड़ा सोचने की जरूरत है क्योंकि इसके पीछे साजिश की बुआर और इन्हें हथियारों के साथ और मखसूस लिबास के साथ इस तरह काम को अंजाम देना कहीं तो साजिश नजर आ रही है। और जब से कन्हैया लाल दर्जी का कत्ल और गला काटने तक को अंजाम देना कुछ हजम नहीं हो रहा, ये उन्हीं लोगों का काम लग रहा है जिन्हें इस काम को बुनियाद बनाकर एक समाज को दहशतगर्द और खूंखार साबित करना है। और जब भी इस तरह की वारदात पेश आती है तो फायदा किसको होता है, इस पर भी तवज्जो देना जरूरी है। जाहिर है फिरका परस्त पार्टियों को इसका फायदा होता है और इनकी तंजीमों को ही इसका फायदा होते हुए देखा जाता है। अगर 26/11 से ही इसका जायजा लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमला करना था, इसलिए 26/11 हमले को अंजाम दिया गया। भारत में कई सारे बम धमाकों को अंजाम दिया गया, आखिर मामला तब जाकर रुका, ये भी सोचने की बात है। मामला तब जाकर रुकने लगे जब मालेगांव धमाकों में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की स्कूटर बरामद हुई, वरना तो किसी को भी दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार कर सालों साल जेलों में रख कर रिहा करने की तहजीब ही इस मुल्क में पनप रही थी। लेकिन जब मालेगांव धमाकों की हकीकत खुली तो इसके बाद इस तरह की वारदातें बहुत हद तक कम हो गई। पुलवामा के जरिए किस तरह सियासी फायदा उठाया गया और पुलवामा किसने अंजाम दिया, शायद कईयों का शक भी अब यकीन में बदल चुका होगा। मतलब जब भी सियासी मुफाद के साथ एक समाज को नफरत के आड़ में अलग थलग करने की साजिश को अंजाम देने के लिए नफरती एजेंडा चलाया जाता है। सिखों के गुरुद्वारा पर भी हमले हाल ही में हुए जिसमें मुसलमानों को जिम्मेदार इसलिए ठहराया गया ताकि सिख मुसलमानों के दरमियान भी दरार पैदा हो जाए, ताकि इन फिरका परस्तों को इसका फायदा हो जाए। आज एक और खास बात पर तस्करा भी जारी है। आल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर और नुपुर शर्मा पर दफाएं एक जैसी लगाई गई है, लेकिन जुबैर सलाखों के पीछे है और नुपुर शर्मा आज भी बाहर। खैर, दावत इस्लामी की तरफ अब रुख को मोड़ते हुए दहशतगर्द तंजीम से जोड़ने का काम जारी हो चुका है। कहने का मतलब, कैसे एक एक मसलक एक एक तंजीम एक एक इदारे को निशाना बनाए जा रहे हैं।
जाकिर नायक, कलीम सिद्दीकी, सलमान अजहरी, मौलाना साद और ये तमाम मुख्तलिफ मसलकों के जिम्मेदार हैं पिछले कोरोना के लिए कैसे तबलीगी जमात को जिम्मेदार बनाकर मुस्लिम समाज को ही इस बीमारी का जिम्मेदार ठहराने की मुनज्जम कोशिश की गई थी और इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुए, कुछ हद तक या बहुत हद तक ये फिरका परस्त कामयाब भी हुए। तमाम न्यूज चैनलों सोशल मीडिया के जरिए बदनामी के काम को अंजाम भी दिया गया। बाद में अदालतें तो सफाई पेश करने के लिए आती हैं। मसलकी जहर ने मुस्लिम माशरे के इत्तेहाद, अखवत, भाईचारगी को तार तार करके रख दिया है। उम्मत के मसले को मसलक के नजरिए से देखना बंद करना होगा। आज मैं जद पे हूँ, तुम खुशगुमान न होना। चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की न होगी की तरह किसी तरह कौम में मुस्लिम को निशाना बनाना और जिस नस्ल कशी का ऐलान धर्म संसदों में किया गया है इसे सही ठहराने के लिए अब बगदादी, ISIS, तालिबानी स्टाइल वगैरह नैरेटिव चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ रोजाना कुछ ना कुछ नए कानून ऐसे लाए जा रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज परेशान रहे। इसकी भी बारह कोशिश जारी है और सभी जानते हैं कि इस बार की बकरीद कैसे गुजरने वाली है। आज दलित नौजवान को बम से उड़ाने की वारदात का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दूसरी मीडिया में इसका जिक्र आपको कहीं पर नजर नहीं आया, क्योंकि मारने वाला अगर मुसलमान नहीं है तो उस खबर को चलाया नहीं जाएगा क्योंकि इससे कुछ फायदा नहीं है। लिहाजा इतना जरूर है कि जब तक मुजरिम का नाम मुसलमान नहीं होता तब तक किसी खबर को बड़े पैमाने पर नहीं चलाया जाएगा और यही सच है। लिहाजा उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल का कत्ल आने वाले दिनों में कई सारे एजेंडों पर अमल करने के लिए साजिश के तहत तो अंजाम नहीं दिया गया, ऐसा सवाल भी उठना लाजिम हो गया है क्योंकि इस वारदात को जितना बड़ा बना दिया जाएगा मुल्क की सतह पर फसाद के मंसूबों को भी अंजाम देना आसान होगा। शायद यही सोचकर आज भी इस पर बहस जारी है। हमें साजिशों को समझने की जरूरत है, यही आज का पैगाम। पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई, रोडी शीटर्स के घरों पर छापेमारी। बेलगाम जिला पुलिस की जानिब से आज सुबह तकरीबन 5 बजने के दरमियान तकरीबन 150 के करीब पुलिस मुकामात की फौज ने 26 रोडी शीटरों के घरों पर छापेमारी कर हथियार बरामद किए। तलवार, जंबिया, कोयता, चाकू और दिगर हथियारों की नुमाइश भी पुलिस इंतजामिया की जानिब से की गई। DCP रविंद्र गढ़ादी के जेर निगरानी इस मुहिम को अंजाम दिया गया। पिछले कुछ अरसे से बेलगाम शहर और अतराफ में गुंडागर्दी, रियल एस्टेट एजेंट को लेकर मारामारी, रुपयों को लेकर खून खराबा जैसी वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा इसी के मद्देनजर आज सुबह छापेमारी की गई। इसमें रुक्मिणी नगर के श्रीधर तलवार, महाद्वार रोड के विनय प्रधान और खंजर गली के अल्ताफ सूबेदार के घरों से हथियार बरामद किए गए। इस कार्रवाई के बाद शहर में और भी मुजरिमों पर नजर रखी जाने की बात DCP रविंद्र गढ़ादी की जानिब से कही गई। बेलगाम शहर और अतराफ में रहमान फाउंडेशन अपने खिदमात बखूबी अंजाम दे रहा। तिब्बी समाजी खिदमात में पेश रहने वाले इदारे के तौर पर रहमान फाउंडेशन की मकबूलियत में इजाफा होता ही जा रहा है। लिहाजा बेलगाम शहर के जिम्मेदार के तौर पर अब मौला साजिद और जुबेर मुगुट खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। घरों में इस्तेमाल में न आने वाली चीजों को रहमान फाउंडेशन की जानिब से जमा कर इन्हें सामाजिक खिदमात में इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा इन नंबरात पर आप राब्ता कायम करें, ऐसा ऐलान रहमान फाउंडेशन की जानिब से किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله احب الخلق الى الله من احسن الى عياله او كما قال عليه الصلاة والسلام। فرمان رسول ہے, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह की याल है, अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मकबूल, महबूब, पसंदीदा वो शख्स है जो अल्लाह की मखलूक के साथ भला, अच्छा, हमदर्दी, खैर खाई का मामला करे। हजरात, मुख्तसर सा तारुफ रहमान फाउंडेशन के मुतालिक। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से मुख्तलिफ काम अंजाम पा रहे हैं। मसलन बेवाओं, गरीबों, यतीमों की जरूरतों को पूरा करना, तालीम के हुसूल के लिए ताउन करना, बीमारों के इलाज व मुआलजे में ताउन करना, अलगर्ज दुनियावी जरूरत हो इंसानों की या दीनी जरूरत हो, बिला तफरीके मजहब हरेक की नुमाया खिदमत अंजाम देने वाला इदारा रहमान फाउंडेशन है जो हजरत अकदस
खलील रहमान सज्जाद नोमानी दामत बरकात के जेर निगरानी रोज बरोज तरक्की कर रहा है। इस इदारे में ताउन की एक शक्ल ये भी है कि आपके घर गैर जरूरी सामान है, आप वो सामान इदारे को दें जिसकी कीमत से मुंदरजा बाला जरूरतमंदों की जरूरतों को हत्तल इम्कान पूरा करने की कोशिश करते हैं। और एक शक्ल डिब्बों की भी है कि हर घर और दुकान में डिब्बा रख के रोजाना कुछ न कुछ अपनी ताकत के बकदर डिब्बे में डालें, आप पर बार भी न होगा और जरूरतमंदों की जरूरत के पूरा करने में आपकी तरफ से एक बड़ा ताउन होगा। अल्लाह आपकी इस कोशिशों को, आपकी इस ताउन को शर्फ़े कबूलियत अता फरमाकर दुनिया व आखिरत के तमाम छोटे बड़े मसाइल को अल्लाह हल फरमाए, आफतों और बलाओं और मुसीबतों और बीमारियों से हम सबको महफूज फरमाए, हम सबको हयात तैयबा अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।